use of, no use of an, यानी no use of an, an का प्रयोग नहीं करेंगे। तो an का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे? जो अनकाउंटेबल नाउन हो, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक। और जो प्रॉपर नाउन हो, जैसे प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम आ गया, सावन है, बादल है, तौकीर है, कोई जगह का नाम आ गया, बिहार हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, नेपाल हुआ, काठमांडू हुआ, तो जो प्रॉपर नाउन होगा। और जो अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वही दिया है नो यूज ऑफ एन, यानी एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नो का मतलब नहीं करेंगे। तो किसके पहले है हम नहीं करेंगे? जो प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन मीन्स व्हाट? व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन कौन कौन हो जाएगा? तो मोहन आ जाएगा, सावन, ठीक, बादल, तौकीर, ये सब व्यक्ति का नाम है ना। जैसे व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन आ जाएगा। कोई जगह का नाम यदि दे दिया है, बिहार, ये क्या है? जगह का, प्लेस का नाम है। उसके बाद ये क्या है? पटना, ये क्या जगह का नाम है? तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिल्ली, अच्छा दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन हुआ। मुंबई प्रॉपर नाउन हुआ है। काठमांडू, दो मिनट से ये प्रॉपर नाउन हो गया ना। नेपाल, ये देश का नाम हुआ। तो ये सब प्रॉपर नाउन होता है। ये प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा होता है काउंटेबल नाउन, ये पहला बात हुआ। दूसरा बात हो गया अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि पानी, वाटर, water, वाटर मतलब पानी को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ग्लास में धरते हैं, नहीं। लिक्विड पदार्थ हुआ, ऑयल हम लोग गिनते हैं? नहीं गिनते। ऑयल माना तेल होता है नहीं। घी को हम लोग गिनते हैं? नहीं गिनते। तो ये बोर्ड पे का दिखाया है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। यानी कहने जो जोखते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, वो सब तुम्हारा क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो ये वस्तु को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसके कारण से ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि कोई दे दिया है, एग्जाम्पल में जैसे हिंदी में दे दिया रहे कि यह क्या है, यह सावन है, या यह बादल है, तो यह बादल है का यदि यह का दिस हो जाएगा ना, यह का दिस, बादल का बादल, है का इज, तो दिस इज बादल, BADL बादल, दिस इज बादल। लेकिन इसके आगे दिस इज अ बादल लगाएंगे तो ये क्या होगा? सही होगा? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि सही बनाना है तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, ये को हटाना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझा? तो एन का प्रयोग कौन से जगह पर नहीं होगा? जो प्रॉपर नाउन हो, वहाँ पे, उसके पहले नहीं होगा, क्योंकि बादल प्रॉपर नाउन हुआ तो एन का प्रयोग नहीं हुआ। अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके पहले नहीं होगा। ये दो वस्तु ऐसा होता है जिसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करते। आए समझिए। ओके।